खाते हैं भाई इसको बिल्कुल उस तरह नहीं कि हमें करना हमारा हां चलो चलो खाते हैं हमारे गेस्ट है हां आ जाओ उसको नेचुरल लग में जो बार बार उठ के जा रहा हूं मैं नेचुरल कर रहा हूं अभी मैं लॉन में पाइप से नहाने भी जाऊंगा बिल्कुल नेचुरल मुझे ये कुर्सी अच्छी लगी है ना हां ये बहुत अच्छा माशाल्लाह किचन बनाया है मिकाल जलपकार मेरे घर में रेनोवेशन चल रही है देख रही थी चीजें ना मुझे मैं ढूंढ रही थी मुझे मिल ही नहीं थी मुझे मेरे शो पे वाउचर देख फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज का जिक्र कर यार हम हो गए हो अच्छा अच्छा भाई लाओ चाय लेंगे आप लोग बातें करना चाय लेंगे ये दिखा ऐसे रहे जैसे घर में काम ये आदमी लोग ऐसे ही होता है सीरियसली यार बस कर दो यार आप देखा आप घर पोछा लग रहा है उनकी मदद तो करें पोछा मैंने लगाया ना बीच में फंस गए वहां से क्रॉस कैसे करें वो यार अबे भाई दोनों फंस गए अब बात करें प्लीज अच्छा तो ज़ैना जो है आपकी पर्सनालिटी किस जैसी है तुम्हारे जैसी के अपने अब्बा जैसी ज़ैना मेरे जैसी चाय बन रही है एक्चुअली ज़ैना पता नहीं यार ज़ैना बहुत मिक्सचर है ज़ैना अपनी फुप्पो जैसी भी है ज़ैना देखने में अपनी फुप्पो जैसी और पढ़ाई में अपनी फुप्पो जैसी है अच्छा अच्छी है पढ़ाई बहुत अच्छी और वो एक्चुअली हसन भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था और भाई वो फिर फंस गए वो दरवाजे के अंदर देखो मैं घर का फेब मेंबर तो हूं मैं हेड भी हूं होस्ट पे चार रखी चाय पीने के यार यहां से मैं बड़ी क्वालिटी है माशाल्लाह घर के हेड भी हैं घर के मेंबर भी हैं और घर की सफाई भी सुने मैं अकेले नहीं खाऊंगी आप लोग भी खाओ प्लीज खाएं फ्रेंच फ्राइज हैं इसमें दानिश फ्रेंच फ्राइज मैंने बेचने दे खाने नहीं दे नहीं तो साथ साथ बेच के खाएंगे भी ना टेस्टिंग टेस्टिंग इतना मजा आएगा यार सर्दियों में कनाडा बर्फ से मर रहे मैं आलू बेच रहा हूं बस सही है हमने वही जाना है फिर बता दीजिए जब जाएंगे जब सेटअप हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका बेस्ट अच्छे वैसे जैसे दानिश का ये ड्रीम है कि ये कनाडा जाके चिप्स बेचेगा तुम्हारा एक्टिंग के अलावा कोई और बिजनेस प्लान है आगे जाके जैसे कुछ सुना मुझे जिंदगी में टेंशन नहीं चाहिए हां नहीं बिजनेस करनी नहीं मुझे मेरे था मैं बीच में सोचती हूँ प्रोडक्शन में आ जाऊँ फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह इतनी मगज खपाई हाँ देख देख के ना दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको देख देख के मुझे होता है यार एक्टिंग ही सही है और फिर हमारी तो रिटायरमेंट है ही नहीं आगे माँ का कैरेक्टर उसके बाद दादी नानी सारे कैरेक्टर चलते रहते हैं रिटायरमेंट तो होती नहीं तुमने करना लेकिन आपने बहुत जल्दी हाँ बिल्कुल बड़ी जल्दी माँ का कैरेक्टर क्यों मेरे तो खुद दो बच्चे हैं वो भी दूसरा मतलब पहली शादी नहीं नहीं यास की पहली शादी हुई भी है और दूसरी बीवी बच्ची छोटी सी उसको लगता है जो असल जिंदगी में ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती ड्रामे में पूरी ड्रामे कम पैसों में चाय बन गई होगी आप बातें कर रहे हैं यासे बहुत मेहनत कर रहे हो आप दोनों खोलने पूरे नहीं आएंगे अब आ गए अब गुजर गए अच्छा तो मैं बच्चों को बता रही थी अरे तुम रॉकिंग का बता रहा है आसम के कम होने का राज ये जुमले मरते हुए हम पढ़ते हुए आसम को अब आ भी जाए क्या चलने में वजन की उसे चल नहीं पा रहा है हसन अपनी चाय खुद ही बनाता है बनाता क्या है उसको पसंद है पठान के ठेलों की चाय पठान का ढाबा होता है ना वो वाली चाय कड़क चाय जो मजो हाँ कड़क चाय जो मजो तो वो जो है वहां से लेकर आता है खुद ही कप भाभी चार कप थोड़ी पीएंगी एक कप चीनी डाल दें चाय में नहीं नहीं थैंक यू बस खैर वो फिर खुद की क्वालिटी है तुम्हारे बेटे की कि वो उसको मुल्कों के कॉन्टिनेंट्स और मुल्क और शहर उसको सब याद फ्लैग्स पता है सब शौक है ना बस ये उसको शौक की बात होती है ना उसको कंट्रीज में एक तो उसको घूमने का बहुत शौक है तो बस उसको अम्मा से गया है वो शौक है हाँ शायद मेरे से ही शौक चढ़ा तो वो ही बस उसको देख देख के पढ़ पढ़ के मतलब वो आंखें बंद करके आपको बता देगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है उसका कैपिटल क्या है उसकी करेंसी क्या है उसका फ्लैग क्या है बड़ी मतलब, बात है बड़ी बात हाँ मतलब मुझे अगर कभी पूछना होता तो मैं उसी से पूछती हूँ कि भाई ये किसका फ्लैग है ये कौन सी कंट्री का कौन सी करेंसी ऊपर जा रही हो नीचे ये तो नहीं उससे पूछती मैं मगर उसको हाँ और ये तो मैंने उसको कहा भी इससे तो दूर ही रहो लेकिन ये है कि हाँ ये क्वालिटी है उसके अंदर अच्छा होता है ना माँ बाप जो है जरा बड़े कॉन्शियस होते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे बच्चों की कि भी धूप में ना निकला काले हो जाओगे या बाल अच्छे होने चाहिए लड़कियों के मालिशें हो रही है सर पे हसन और सुनीता में से कौन ज्यादा बच्चों के लिए जरा कॉन्शियस है कि स्पोर्ट्स कराओ जिम जाए थोड़ी सी एज हो जाए जब तो कौन है ज्यादा कॉन्शियस नहीं हम दोनों
बस नहीं है, मतलब अगर उनको बाहर जाना है तो जाए, नहीं जाना नहीं जाए, वो एक्चुअली तो रोज जाते हैं ना शाम में पार्क खेलने, तो बस मतलब हमने कभी रोका नहीं। हमने बचपन से देखा है, मतलब मेरे बच्चों के बचपन से कि वो लोग पार्क आ रहे होते हैं छोटे से होते हैं, क्योंकि वो कॉलोनी है ना हमारी, तो वो दोस्त बन गए, तो रोज आना जाना होता है। आप भी कुछ सवाल कर लो यार, वो भूल गए ना, देख के भूल ही गए। आप मेहमान नवाजी में पड़ गए, आपका रिश्ता बढ़ गया है, चाय लेके आ रहे हो, बर्गर खा रहे हो। नहीं नहीं सुनीता, मैंने भाभी खाया, मैंने खाया। आपने ट्रेनिंग दी है बंदे को, तैयार किया है, सवाल करवाओ। अरे इतना रटवाया था, सभी भूल गया। अच्छी बना लेते ना, एक फर्रे खोलो, फर्रे अंदर जेब से बनाए थे। वो जो मोबाइल है ना, उसमें मैंने आपको व्हाट्सएप करनी है सवाल। हमने वो रखा था, जब मिजाज आशनी रखा था हमने, हम कुछ सवाल करेंगे सुनीता से, और वो सवाल जो है हम फिर हसन कॉल करेंगे, स्पीकर पर लेंगे, उससे पूछेंगे जो जो आप सुनीता ने दिए हैं वो सही है या गलत है। ये बहुत गहरे किस्म के सवाल जो है ना वो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम एक बिल्कुल लेटेस्ट गेम खेलेंगे, और ये गेम रैपिड फायर नहीं है, ये है मिजाज आशनी, यानी कि इनके और इनके जो हस्बैंड हैं उनमें कितनी बातें एक दूसरे को पता है। ठीक है, आप रेडी हैं इसके लिए? मिजाज आशनी, मिजाज आशनी।